हमास की इन सुरंगों को बंद करने के लिए अब इसराइल के पास एक सटीक प्लान तैयार है। इन सुरंगों को बंद करने के लिए अब एक खास तरह का बॉम्ब इसराइल बना रहा है। ये बॉम्ब कैसे सुरंगों को बंद करेगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। इस बॉम्ब का नाम है स्पंज बॉम्ब। स्पंज बॉम्ब एक विशेष तरह का बॉम्ब है जो कि एक सुरक्षित प्लास्टिक कंटेनर में बंद होता है। इसमें एक धातु के जरिए ये दो हिस्सों में होता है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। इस बम को सक्रिय करने के लिए सैनिक इसे फोड़ता है। जैसे ये दोनों तरल पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर फोम बनना शुरू हो जाता है। एक तरह से कहें तो ये फोम का सैलाब होता है और इसी सैलाब को इसराइल हमास के इन अंडरग्राउंड टनल्स में डालने की तैयारी में है। हमास की सुरंगों से निपटने के लिए इसराइल का स्पंज बॉम्ब खास है। इस बम की खासियत ये होती है कि अचानक से फूटते हैं, जिससे एक फोम बनता है जो तेजी से फैलता है और थोड़ी देर के बाद ये ठोस बनना शुरू हो जाता है, यानी सुरंग में ये जहां तक फैलेगा वहां तक जम जाएगा, पत्थर की तरह जमेगा। इससे सुरंग का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और जो इंसान अंदर है वो अंदर ही जकड़कर मर भी सकता है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल रासायनिक ग्रेनेड का परीक्षण कर रहा है जो सुरंग के प्रवेश द्वार को सील करने का काम करेंगे, जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब इन खास तरह के बमों का इस्तेमाल कैसे होगा, ये आने वाले वक्त में इजराइल बताने वाला है। लेकिन आखिर इन सुरंगों को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? दरअसल हमास का अस्तित्व गाजा में 1987 में बना था और 1990 के मध्य में हमास ने सुरंगों की खुदाई की थी। तब से माना जाता है कि हमास का वेस्ट बैंक की जगह गाजा में ज्यादा प्रभाव होने की एक वजह इन सुरंगों का जाल है। ये सुरंगें तब और आसान हो गईं जब इसराइल ने 2005 में अपने सैनिक गाजा से हटा लिए थे और 2006 में हमास ने चुनाव के जरिए गाजा की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हमास ने इसराइल से उठाए गए 200 बंधकों को इन्हीं सुरंगों में रखा है। इसमें महिलाएं, बूढ़े और बच्चे हैं। ये सुरंगें सैकड़ों किलोमीटर लंबी हैं और करीब 80 मीटर गहरी हैं। ये गाजा की 360 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जाल की तरह फैली है। ऐसे में इसराइल को इस जाल से निपटने के लिए खास तरह के बॉम्ब और खास तरह के उपकरण चाहिए। गाजा के जमीन पर रिहायशी इलाकों और इमारतों के नीचे हमास की इन सुरंगों का जाल बिछा है। इसे इसराइल के गाजा पर हमास पर होने वाली जमीनी कार्रवाई में सबसे बड़ी समस्या या चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास ने इन्हीं सुरंगों में इसराइल से लाए गए बंधकों को रखा हुआ है और अब इन्हीं सुरंगों के जाल को फेल करने के लिए इसराइल बना रहा है स्पंज बॉम्ब। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।